हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पिस्तौल के नोक पर व्यापारी के साथ 3,50,000 की लूट कर फरार हुए 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमों से पिस्तौल सहित 4 जिंदा कारतूस बरामद। पाली जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह के निर्देश एवं सोजत सर्कल सीईओ डॉक्टर हेमंत कुमार जाकर के सुपरविजन में चोरियों के खुलासे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोजत थाना अधिकारी रामेश्वर लाल भाटीमय जाप्ता द्वारा सोजत कस्बे में एक व्यापारी के साथ पिस्तौल की नोक पर 3,50,000 रुपए की लूट कर फरार हुए आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी पाई। सोजत DYSP डॉक्टर हेमंत कुमार जाकर के सुपरविजन में सोजत सर्कल में पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गौरतलब रहे कि दिन दहाड़े इन अभियुक्तों ने व्यापारी को पिस्तौल की नोक पर डरा धमका कर 3,50,000 की नकदी लेकर फरार हो गए थे। पुलिस द्वारा तकनीकी और गहन अनुसंधान के बाद लगातार मुलजिमों का पीछा किया और गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। गिरफ्तार अभियुक्तों से लगातार पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही, जिससे और भी बड़ी चोरियों की वारदात के खुलासे के आसार बन रहे। गिरफ्तार अभियुक्त 3 अजमेर जिले के जवाजा और 1 अभियुक्त रायपुर पाली निवासी है। मुख्य हाईवे पर स्थित एक पेट्रोल पंप मालिक का कार्यालय था, वहाँ पर कुछ अज्ञात अपराधी एक मोटरसाइकिल पर आए। उन्होंने एक पिस्टल और धारदार हथियार दिखाकर वहाँ पर रखा हुआ कैश लूट कर फरार हो गए थे। तत्काल जिले भर में नाकाबंदी करवाई थी, लेकिन अपराधी भागने में सफल हो गए थे। जागरूक टीवी की सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।